देखो इंडिया का ये इतिहास रहा है कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान ना देकर बल्कि बाहर के देशों से जैसे रसिया, फ्रांस, अमेरिका से डिफेंस आइटम को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अभी भी दुनिया के कई देश इंडिया को एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो अपने खुद से डिफेंस आइटम न बनाता हो बल्कि वो दुनिया भर से खरीदता हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इंडिया धीरे धीरे मेक इन इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है ना, जिसे देखकर तो कई देश हमारे यहाँ से डिफेंस आइटम को परचेज कर रहे हैं। हाल ही में आपने ये सुना होगा कि वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस ब्रह्मोस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ तक कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के कारनामे को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि लगभग $370 मिलियन की डील ही कर ली। और वहाँ के लोग ब्रह्मोस के बारे में काफी बातें कर रहे हैं। फिलीपींस की मीडिया तो ब्रह्मोस को चाइना का काल बताने लगी और ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज को कर हैरान रह गए। बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, हम आपको इनका वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अब कैसे डिफेंस के मामले में इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत काफी गरीब देश था, हमारे यहाँ खेती के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन हमको मिलिट्री के लिए हथियार तो चाहिए थे, इसीलिए भारत डिफेंस आइटम विदेश से मंगाना चालू कर दिया और ये ट्रेंड आज तक कायम है। ये जो रसिया, यूएसए, फ्रांस जैसे देश है ना, ये भारत को एक डिफेंस की मार्केट की तरह देखते हैं, पर अब धीरे धीरे इसे भारत इन सभी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। आज के समय मेक इन इंडिया के अंडर बहुत ही तेजी के साथ देश में डिफेंस आइटम को मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और कई चीज तो हमने इंडिजिनियस बना के तैयार भी कर लिया। हाल ही में अभी जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बेनीजी इंडिया आए थे तो ये इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी गए थे और तेजस पे भी बैठे थे, जिसे देखकर काफी ये इम्प्रेस हुए। आज कई देश भारत से तेजस को बाय करने में भी इंटरेस्टेड हैं। अभी इंडिया डिफेंस के मामले में रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले साल ही इंडिया ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील किया था फिलीपींस को लगभग 370 मिलियन का ब्रह्मोस बेचकर। दरअसल ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज को देखकर फिलीपींस काफी इम्प्रेस हुआ था, लेकिन जब इंडिया ने बाय मिस्टेक ब्रह्मोस को पाकिस्तान में फायर कर दिया था ना, तो इसे पूरी दुनिया की मीडिया काफी कवर कर रही थी, लेकिन फिलीपींस इससे काफी डर गया था, फिलीपींस इसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, पर वहीं अमेरिकन मीडिया तो इसे मजाक बना रहे थे। देखो ये अमेरिकन मीडिया कैसे चिढ़ा रहे हैं, पहले आप जरा इनकी ये छोटी मजेदार वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मोस के बारे में फिलीपींस की मीडिया क्या क्या कह रही है। So, India accidentally fired a missile into Pakistan, and that's not great. So their neighbors, they both have nuclear weapons, and this is not the case of just a football going over a fence. Basically, India apologized and sort of said, sorry, we didn't mean to, and it was due to a technical malfunction. I mean, like, who works there? Homer Simpson? Well, I think that's the problem. There is an Indian Homer Simpson who just rested his coffee cup on the wrong button. Yeah. And we've got World War III. What is it? Is it like, is it like the cleaning person? They went in, they're like, oh, yeah, no, I've had a terrible click. Oh, what does that one do? It's such a highly militarized area, like the Korean border. I'm surprised it doesn't happen more often, really. No, yes. I think, and China's also nervous there, too, because that's one of it's an area they're very interested in right now, too. Mm. So they're trying to calm the storm that's going on. So have the Indians apologized? Have they sent flowers? Well, they should have. I mean, Pakistan has thrown a bit of shade their way. Pakistan has warned India to be mindful, which I think is very shady considering that India created yoga and mindfulness as we know it. Well, so, exactly right. Practice what you preach. If someone fires a bomb at my house, one good thing they can do is send over a nice meal. I suggest that India, because the food is so good from India, send over a nice takeaway, you know, just say. देखो ये लोग तो इस चीज का मजाक बना रहे हैं, but ये काफी serious issue था और फिलीपींस की भी इसमें बड़ी पैनी नजर थी, पर इंडियन गवर्नमेंट फिलीपींस और पाकिस्तान दोनों को कन्विंस कर दिया था कि ये बाई मिस्टेक हो गया था और ये बात फिलीपींस समझ भी गया था क्योंकि उसको ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज पर भरोसा था और फिलीपींस की मीडिया भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल पे काफी कॉन्फिडेंट है। ये लोग काफी पॉजिटिव ब्रह्मोस के बारे में बातें कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि अगर ब्रह्मोस फिलीपींस में आ जाएगा तो चाइना की हिम्मत नहीं होगी फिलीपींस पर अटैक करने की। देखो फिलीपींस देखने में तो लगेगा कि एक आइलैंड्स का ग्रुप है, पर यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लगभग 10 करोड़ के आसपास, और फिलीपींस का झगड़ा चाइना के साथ सदियों से चला आ रहा है। चाइना फिलीपींस के ओशन को अपना बताता है और कभी कभी फिलीपींस की नेवी को भी धमकी देता है।
इसलिए ब्रह्मोस को खरीदने में फिलीपींस के लोग और वहाँ की मीडिया काफी एक्साइटेड है। ये लोग मीडिया में ब्रह्मोस के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। जरा आप इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इंडिया डिफेंस के मामले में सुपर पावर बनने जा रहा है। Let's start with this purchase by the Philippines of the BrahMos missile system from India. How important is this? And people are saying that this could be a very strong deterrent in the face of China's assertiveness in the South China Sea, including the West Philippine Sea. They also see it that way. This might be the most strategic purchase I think the AFP has made in years, because what the Philippine Navy faces, like all navies in the region, is an external threat from China that is just numerically overwhelming, right? Nobody else is going to be able to keep up with China in a boat building contest. What the Philippines benefits from is geography. It's closer to disputed areas like the Calayan Islands than China is. And so having shore-based assets that can target Chinese boats helps change that math. It makes China think twice, because it could lose a $100 million boat to a $1 million missile. How do you think China would respond to this purchase? The Philippines being the third Southeast Asian country with such a capability after Vietnam and Indonesia. I think that Beijing will do the same thing that it always does, which is it will complain. But at the end of the day, this is the Philippines' sovereign decision. The Philippines has every right to modernize its military and defend itself. And if China is not a threat to Philippine rights at sea, then why should China be worried? And what kind of threat are you looking at for which this could be a specific deterrent? This doesn't change the gray zone strategy. China's going to continue to focus on its Coast Guard and its militia harassment. What the BrahMos missiles and in general, what strengthening deterrence, including by tightening the alliance with the Americans, does is it keeps it in the gray zone. It prevents China from just escalating to the use of military force where it's so dominant. So if you think about a potential crisis over Ayun Control, if they attempt to blockade or even tear the Sierra Madre off the shoal, or if they decide to finally build a permanent facility at Scarborough Shoal, Bahamas Masinloc, in all those cases, you really want to keep this in the gray zone. You want to prevent China from deciding to use its navy. देखो, अभी भारत ज्यादा से ज्यादा डिफेंस आइटम को बाहर से खरीदता है, पर अब इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ चुकी है। अब इंडिया काफी डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। अभी अगर वर्ल्ड का डाटा देखे ना, तो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट कहीं नहीं टिकता। दुनिया की सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री में यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस का नाम आता है। यहाँ तक कि इसराइल, जो एक छोटा सा देश है, वो भी इंडिया से आगे है। बट अब भारत इसको धीरे धीरे कैच अप करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत ने अपने आप को टारगेट दिया है कि 2025 तक हम $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये पॉसिबल हो गया ना, तो इंडिया के लिए एक नया रास्ता खुलेगा और यही आगे चल के राह बनेगा इंडिया की एक सुपर पावर बनने की ओर। आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाले समय में इंडिया डिफेंस के मामले में सुपर पावर बन सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।